हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हरदोई में सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार डीसीएम ने ऑटो में टक्कर मारी है, ऑटो सवार 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर हरदोई से सामने आ रही है, जहां हरदोई में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में बुधवार को एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में भीषण सड़क हादसा हुआ और इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 6 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस घटना के कारणों की जाँच कर रही है। बताया जा रहा है कि ये हादसा एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हुआ। पुलिस ने ऑटो और डीसीएम दोनों को कब्जे में ले लिया है। मामला हरदोई के माधवगंज कस्बे का है। पुलिस के मुताबिक एक सीएनजी ऑटो बिलग्राम कटार बिलहौर मार्ग पर बिलग्राम की तरफ से आ रहा था। इसी दौरान रास्ते में एक बाइक सवार आ गया, उसे बचाने के लिए ऑटो चालक ने कट मारा। इतने में उल्टी दिशा में आ रहे डीसीएम से वो टकराकर पलट गया। हादसे के वक्त ऑटो में कुल 15 लोग सवार थे। ये सभी लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने आनन-फानन में सभी घायलों को ऑटो से बाहर निकाला। हालांकि उस समय तक काफी देर हो चुकी थी। ऑटो में सवार 15 में से 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। इनमें 6 महिलाएं, 2 बच्चे, 1 पुरुष और 1 किशोरी शामिल हैं। वहीं 5 अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर के मुताबिक इन घायलों की स्थिति भी नाजुक है। पुलिस के मुताबिक मृतकों में से अभी केवल 2 महिलाओं की शिनाख्त हो पाई है, बाकी की पहचान कराने की कोशिश की जा रही है। हरदोई पुलिस के मुताबिक ये घटना दोपहर करीब 12:30 के आसपास हुई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। शोर सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग भागकर मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने ऑटो में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने 10 लोगों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक मृतकों में 2 महिलाएं माधुरी और सुनीता की ही अब तक पहचान हो पाई है, जबकि घायलों में रमेश, संजय, विमलेश, आनंद और किशोर शामिल हैं। तो ये बड़ा और दर्दनाक हादसा हुआ है और इस तरीके से ये हादसा हुआ है, जहां अचानक डीसीएम आने से अनियंत्रित होकर टेम्पो जो है वो पलट गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख भी जताया है और घायलों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यक्त की है। तो उत्तर प्रदेश स्थित हरदोई में ये भीषण सड़क हादसा हुआ और इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 6 महिलाएं शामिल हैं। जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक तेज रफ्तार डीसीएम ने ऑटो को टक्कर मार दी। इस दौरान ऑटो में सवार 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 12:30 बजे सूचना मिली थी, बिलग्राम माधवगंज जो रोड है, उस रोड पे डीसीएम और ऑटो के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कई लोग की मृत्यु हुई। जैसी सूचना मिली थी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, घायलों को हॉस्पिटल लेकर आई थी। सीएससी जिस हॉस्पिटल में हम लोग हैं मौजूद, उसमें डॉक्टर्स ने 10 लोगों को मृत घोषित किया है, जिसमें 6 महिलाएं हैं, 2 बच्चे हैं छोटे, 1 किशोरी है और 1 पुरुष। 4 लोग घायल हैं, जिनको हम लोगों ने तत्काल जिला हॉस्पिटल रेफर किया। मेरी डॉक्टरों से बात हुई, उनकी हालत खतरे से बाहर है। हेड इंजरी उनको भी आई है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि वो ठीक हो जाएंगे। बाकी सभी परिजनों को पुलिस द्वारा सूचना दे दी गई है, जिसमें कुछ परिजन आ भी गए जो आपके सामने आए। डीसीएम हमारे कब्जे में है और मैं मौके पर गया भी था घटनास्थल पे, तो मौके पर ये पता चला, प्रत्यक्षदर्शियों ने ये बताया कि एक मोटरसाइकिल को बचाने के कारण ये डीसीएम और ऑटो का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें ये दुखद मृत्यु हुई है 10 लोगों।